क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। कहाँ के रहने वाले? मैं एमपी मध्य प्रदेश खरगोन डिस्ट्रिक्ट गोगांव में हूँ। जब आए थे ये पेशेंट कौन है आपके? मेरी वाइफ है। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ उनको पहले ये हो रही थी कि मतलब उल्टी होना, सूजन आना, दस्त होना और मतलब कुछ भी खाना तो उल्टी हो जाना। अच्छा जी। और फिर जांच करवाई हमने, इंदौर वाला इलाज चल रहा था उसका, तो दो साल से मतलब ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो क्रिएटिन वगैरह बढ़ा हुआ बता रहे थे, आठ नौ चल रहा था उनका। उसके बाद में फिर दो महीने गैप हो गया, तो फिर एकदम से 17 क्रिएटिन बता दिया। अच्छा जी। उसके बाद में हमारे एक मामू है, उनके लड़के आते हैं आपके यहाँ, तो उन्होंने बताया कि वो सर का इलाज चल रहा है, कुछ फायदा हुआ है हमें आपको, तो फिर यहाँ आ गए हम लोग दिल्ली। आपके पास अपॉइंटमेंट लिया, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह फायदा बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी है जी। अच्छा, जब आए थे कितना तक रहने? 17 था। 17 जी सर। डायलिसिस कराया था ना आपने? नहीं नहीं, डायलिसिस डॉक्टर साहब जो हमारे नरेश पावा साहब हैं, उन्होंने बोल दिया कि एक घंटे के भी मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये छुट्टी दूंगा, फौरन डायलिसिस करवाइए आप। अच्छा। तो हमने इरादा बनाया कि नहीं, डायलिसिस तो करवाना ही नहीं अपने को। अच्छा। इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक इलाज तो निकाला होगा इसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पता मिला और फायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। अभी बता रहे अभी रिपोर्ट में 9 कुछ आया इसके अंदर। जी सर, काफ़ी रिड्यूस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र। अभी मतलब खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है हमको, और यानी अभी एकदम तबीयत भी है बहुत अच्छी रह रही है उनकी। जी सर, स्वेलिंग वगैरह जैसे अभी थोड़ा बहुत रहता है, कभी कम ज़्यादा होता है। जी सर, पहले से फर्क है? पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिपोर्ट्स कहाँ से कराई आपने? ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मतलब बेडी केयर है और अपना पैथोलॉजी है, वहाँ से करवाई है। पहले इंदौर से करवाई थी मैंने, फिर वो करीब वहाँ भी शहर ही होगी। जी ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, और जब आए थे इनका 27/2018 को टेस्ट हुआ था, क्रिएटिनिन लगभग 17 पहुँच चुका था, और डायलिसिस इनको तुरंत एडवाइस कर दिया गया, एक घंटा भी छुट्टी नहीं देंगे। जी सर जी, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एकदम मुझे बहुत वो हो गया था, फिर हिम्मत रही अल्लाह ने, फिर दिल में बात डाली कि चलो खैर। 16.8 हो गया था क्रिएटिनिन इनका, डॉक्टर ने बोला था एक घंटे में डायलिसिस कराना बहुत ज़रूरी है 27/2018 के। और उसके बाद अभी जो क्रिएटिनिन है इनका 17/2018 को वो 9.2 हो चुका है, और इन्होंने ये टेस्ट ना दो जगह से कराए हैं चेक करने के लिए, कहा रिपोर्ट खराब तो नहीं है? नहीं नहीं, हाँ इसीलिए। और दूसरी जगह से भी इन्होंने 17/2018 सेम डे ही कराया, क्रिएटिनिन 9.5 ही आया है और 9.2 ही आया है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम आया है। और ये दोनों प्रीटेज पैथोलॉजी, ये आपका पड़ता है खरगोन मध्य प्रदेश जी, और ये भी है खरगोन मध्य प्रदेश में आदर्श पैथोलॉजी, दोनों में क्रिएटिनिन 9 की रेंज में आया है। और उससे पहले जो इन्होंने कराया था वो अगर हम देखें तो इसके अंदर जो इनका क्रिएटिनिन था वो 27/2018 16.8 था, और ये भी इन्होंने इंदौर से ही कराया, एमपी से कराया। तो सारे रिपोर्ट्स के अंदर किस किस प्रकार से चेंजेस आए नज़र आ गए इनको? फरीदा खत्री जी जो ओरिजिनली मध्य प्रदेश की हैं, खरगांव डिस्ट्रिक्ट की हैं, खरगोन डिस्ट्रिक्ट की, तो उनको बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आए, बहुत अच्छे। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, और जो एमपी और इंदौर के और आपके मुझे तो मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई क्या मतलब फ़ायदा हुआ, तो कहाँ से कराया, तो मैंने ये बताया कि अपना दिल्ली के अंदर कर्मा आयुर्वेद है, डॉक्टर पुनीत धवन साहब हैं, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह इलाज लिया हमने, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। दो तीन पेशेंट ने मुझे कॉल भी किया अभी कि मैं मतलब व्हाट्सएप के मेरी वो फाइल भेज देता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखा लेना। अच्छा, तो ठीक है, आप बताया अभी आपको, तो आपने बताया कि भाई पेशेंट लाइए इंशाल्लाह। ठीक है, तो लग के इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और चेंजेस बहुत इनको अच्छे नज़र आए। और आज जो हैं फरीदा खत्री जी जो पेशेंट हैं, जो इनकी वाइफ हैं, वो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से टोटली बाहर हैं, तो बहुत एक एक जश्न की मूवमेंट होती है जब कोई पेशेंट जो है वो डायलिसिस से बाहर आता है। जी जी सर, तो बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट के परिवार के लिए भी होता है और हमारे लिए भी होता है। हमारे लिए तो एकदम बहुत खुशी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये अल्लाह ने बहुत अल्लाह का इनाम है हमारी तरफ से, यानी मतलब मौत के करीब आ गए ये समझो। ठीक है।